हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सरकारी जॉब पर आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से नई रिक्रूटमेंट जारी कर दी है, जिसमें एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसमें बेसिक जानकारी दूंगा और उसके बाद दिखाऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ के साथ अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राजस्थान विद्युत विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके अंदर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। दोस्तों, कई तरह की पोस्टें हैं जिसके अंदर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, एलडीसी, हेल्पर और भी कई तरह की पोस्टें हैं, जो नोटिफिकेशन के द्वारा मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहां से देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आई, 18,885 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, राजस्थान गवर्नमेंट की जॉब है, अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप विभाग की वेबसाइट है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके ऊपर जाकर आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं, इन वैकेंसियों को चार भागों के अंदर बांटा गया है, जिसके अंदर ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी, इन चार भागों में वैकेंसी बांटी गई है, जिसमें ग्रुप ए के लिए 1296 पद हैं, ग्रुप बी के लिए 3070 पोस्टें हैं, ग्रुप सी के लिए 600 और ग्रुप डी के लिए 13919 पद हैं। इस प्रकार से चार भागों में इन ग्रुपों के अंदर इन वैकेंसियों को बांटा गया है। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहां से देख सकते हैं, इसमें 10th पास, 12th और डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीदवारों की एज लिमिट आप यहां से देख सकते हैं, न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 40 साल तक के कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें जनरल, EWS और अदर कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनको ₹850, जो SC, ST और EBC, MBC कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनको ₹550 एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। फीस पेमेंट आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के द्वारा कर सकते हो। दोस्तों, आप लोगों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, कट ऑफ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा इन चार भागों में। अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, विभाग की वेबसाइट है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहां जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहां से इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो फरवरी माह में होने की संभावना है, अभी इसकी कोई क्लियर डेट जारी नहीं की गई विभाग के द्वारा, जैसे इसकी क्लियर डेट जारी कर दी जाएगी मैं एक नई वीडियो के साथ आपको नई जानकारी दूंगा। दोस्तों, अभी हम इसके नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं, जहाँ जाकर मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता देता हूँ। दोस्तों, ये आ गए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, जहाँ से आप देख सकते हैं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, दिनांक 16/1/2020 को नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं, इन वैकेंसियों को चार भागों में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, नीचे यहाँ से देख सकते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी, इस प्रकार से चार भागों में इन वैकेंसियों को बांटा गया है, जिसके अंदर से आप यहाँ से ग्रुप ए की वैकेंसी देख सकते हैं, ग्रुप ए की टोटल 1296 पद हैं, जिसमें अलग अलग ये दे रखे हैं, जिसमें जूनियर इंजीनियर E&M, जूनियर इंजीनियर सिविल, इस प्रकार से टोटल 1296 पद हैं, जिसमें से राजस्थान को दो भागों में बांटा गया है, जो एक TSP क्षेत्र और एक नॉन TSP क्षेत्र, जो TSP क्षेत्र है उसके 243 पद और जो नॉन TSP क्षेत्र है उनके 1053 पद हैं। जो ग्रुप बी की वैकेंसी है, जो जिनमें से आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल 3070 पद हैं ग्रुप बी की, TSP क्षेत्र के 547 पद और जो नॉन TSP क्षेत्र है उनके 2529 पद हैं। इसी प्रकार ग्रुप सी के लिए 600 पद हैं, जिसमें से 99 पद TSP क्षेत्र के और जो नॉन TSP क्षेत्र है उसके 501 पद हैं। इसी प्रकार से आप ग्रुप सी की वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हैं, 70 पद TSP क्षेत्र के और 11150 पद नॉन TSP क्षेत्र के। इस प्रकार से ग्रुप ए, बी, सी, डी के लिए 18885 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 3652 पद TSP क्षेत्र और 15233 पद नॉन TSP क्षेत्र के लिए रखे गए हैं।
दोस्तों यहाँ से आप पूरी जानकारी देख सकते हैं, इनको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके आप यहाँ से देखेंगे तो देख सकते हैं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी है, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की, जो आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें से अलग अलग वैकेंसी बताई गई है, ACC, ADC, इस प्रकार से टोटल ये 15 है, इनकी टोटल वैकेंसी आप यहाँ नीचे से देख सकते हैं, ये पूरी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। ये आगे चलते हैं तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सभी पोस्टों की पूरी जानकारी यहाँ से दी गई है। नोटिफिकेशन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लें और ये पूरी जानकारी हासिल कर लें, उसी के बाद आप इसमें आवेदन करें। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना, साथ के साथ अगर आप ऐसे और ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। दोस्तों आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम ऐसे वीडियो अपडेट करते रहते हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा फेसबुक पेज सरकारी जॉब बाय राकेश भी आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ भी आपको ऐसे ही वीडियो की अपडेट तुरंत मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।